हेलो एवरीवन, मैं प्रीति वर्मा आज न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन्स। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हर आप अगर देखेंगे सी एस आई आर नेट में क्वेश्चन पक्का ही आता है, सिंपल आता है। इसको एक बार आप अच्छे से समझ लो, वो भी बहुत ही आसानी से समझोगे आप, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग इन सवालों में उलझ के रह जाते हैं। और पक्का है कि इस टॉपिक से आपको सवाल आना ही आना है। ओके, तो शुरू करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से ही समझ में आ रहा है कि सी अर्चिन की जो बॉडी है उससे अगर बाहर जब ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, पहले तो इस टॉपिक को ही समझ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अब ये जानना है कि अब जितने मैराइन ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली अपना गैमेट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब वो इन्वायरमेंट हो सकता है कि कोई भी ओशियन हो सकता है, पूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइम पे भी करते हैं, या कह लिए बहुत अलग अलग तरह के स्पीसीज जो होते हैं वो एक टाइम पे भी अपना गैमेट रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि किस तरीके से एक एग जो होता है वो एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, क्यों नहीं वो उस समय आसपास जितने भी स्पर्म होते हैं बाकी सारे स्पीसीज़ के उनके साथ वो फर्टिलाइज़ क्यों नहीं होता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर उसी के साथ क्यों होता है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहले तो आप ये देख जान लो कि इसमें भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से फाइनली जो स्पर्म होता है वो एग से जाके ज्वाइन होता है और उसके बाद से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है वो किसका फिगर है, वो है सी अर्चिन का आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ सी अर्चिन के अगर फिगर की बात देखें तो यहाँ पे देखिए आपको एग सेल मेम्ब्रेन दिख रही है और उसी के जस्ट बगल में आपको ये दिख रहा है जेली लेयर भी दिख रही है, ठीक है। और ये जेली लेयर तो सबसे आउटर मोस्ट ही आप कह लो ये है, उसके बगल में जो है आप देखो एग सेल मेम्ब्रेन के और जेली लेयर के बीच में कौन सी है, वो विटेलिन एनवलप आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जब भी आप इस डायग्राम को कहीं से पढ़िएगा तो आप इसमें अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि ये सेंट्रियोल है तो ये एक्टिन है, ये सब आपको नहीं देखना। आप ये देखो कि यहाँ वन पे लिखा क्या है और एक्रोसोम की कंडीशन क्या है, बस। अगर एक नया डायग्राम आप कॉपी पे बना लो और ये दो और छोड़ दो बाकी सारी चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि स्पर्म जो हो रहा है वो जेली लेयर से क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट करने, ठीक है, जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ एक्रोसोम क्या है, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये एक्रोसोम यही बता देते हैं जो इससे पहले भी लिखा हुआ था, वो ये कि इस एक्रोसोम के पास क्या होता है, कुछ प्रोटियोलिटिंग एंजाइम्स होते हैं जो सेल एग के सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, वो तोड़ते हैं, उसके बाद जो है एंट्री होती है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि नंबर टू पे क्या है, एक्रोसोम रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्रोसोम रिएक्शन यहाँ हो रहा है। और नंबर थ्री पे क्या है, अब मैंने चूँकि बताया है कि एक्रोसोम पे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करेगा तो उसकी जो जेली लेयर है वो क्या होगी, उसकी जो वॉल है वो डाइजेस्ट होगी। तो यहाँ पे क्या है, डाइजेशन ऑफ जेली लेयर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोर क्या है, बाइंडिंग टू विटेलिन एनवलप। ये याद रहे सीक्वेंस, ये हमेशा याद होना चाहिए कि सी अर्चिन में सबसे आउटर मोस्ट जेली होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद विटेलिन एनवलप है, उसके बाद एक्सेल का एनवलप है, ठीक है। उसी ये सीक्वेंस पूछता है कि कौन किस तरीके, कौन स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करके हुआ, तो ये आपको याद कर लेना है। और फाइनली फिफ्थ में क्या हो रहा है, फ्यूज़न ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस मेम्ब्रेन एंड एग मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि वो जो न्यूक्लियस है उसमें एंटर करेगा, ठीक है। अब ये तो हो गई इस फिगर की बात, उससे ज़्यादा का आपको उसमें दिमाग नहीं खपाना है। अब है कि आपको दो टर्म वहाँ दिख रहा है, स्पर्म अट्रैक्शन और स्पर्म एक्टिवेशन, ये दोनों क्या है,
ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पर्म अट्रैक्शन का मतलब किस तरह से एग के अगर आसपास बहुत सारे स्पर्म हैं तो पर्टिकुलर कोई स्पर्म जो होता है वो आता है, ठीक है, और आने के उसको बोलेंगे स्पर्म अट्रैक्शन। और किस तरीके से स्पर्म एक्टिवेशन होता है, मींस कि जो अपना न्यूक्लियस स्पर्म किस तरीके से एग तक पहुंचाएगा, वो एक्टिव कैसे होगा, ठीक है, या उसको वो तो अट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन अट्रैक्ट हुआ लेकिन अभी उसको एग तक आना है, ठीक है, तो उसका एक्टिवेशन होना है तभी तो वो आएगा ना, तो वो किस तरीके से आएगा, ये दो चीज़ आपको पढ़नी है। और ये याद रखिएगा, चार ऑप्शन में मे बी इस तरह का कुछ पूछ ले कि कौन से दो मेजर मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले इस तरह का। अच्छा, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में यहाँ देखिए एक दिया हुआ है, जो रिएक्शन होती है पॉलीस्पर्मी की, ठीक है, फर्टिलाइज सी अर्चिन एग में, वो किस तरीके से, उसके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है, वो आगे कहीं दिया हुआ है। तो आप ये देखो, स्पर्म अट्रैक्शन देखो एट अ डिस्टेंस, किस तरीके से कुछ डिस्टेंस पे स्पर्म को पता चलता है कि हाँ एग है और यहाँ उसको जाना है, ठीक है। तो जितने भी मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, एम्फीबियंस है, यूरोकोरेडेट्स हैं, ये जितने भी हैं, कोडेट्स हैं, ये जितने भी क्या हैं, ये स्पीसीज स्पर्म अट्रैक्शन, यानी कि जब दो कोई ऑर्गेनिज्म है, जब दोनों का स्पीसीज सिमिलर होगा तभी उसका स्पर्म उसके एग को बाइंड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। स्पर्म आर अट्रैक्टेड टुवर्ड एग ऑफ देयर स्पीसीज बाई कीमोटैक्सिस। अब ये कीमोटैक्सिस क्या है कि एग क्या करेगा, कुछ केमिकल को रिलीज करेगा, और वो जो रिलीज करेगा उसको स्पर्म क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसके बाद जो है वो उसकी तरफ जाएगा। तो क्या लिखा है, दीज ओसाइट कंट्रोल नॉट ओनली द टाइप ऑफ स्पर्म दे अट्रैक्ट बट ऑल्सो द टाइम एट विच दे अट्रैक्ट दैम, ठीक है। हो सकता है कि जब एग मैच्योर हो उस समय बाकी सारे स्पर्म ना हो, ठीक है, हो सकता है जब स्पर्म मैच्योर हो तो एग ना हो, तो इस वजह से ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ जितने भी एग है वो सारे स्पर्म से फर्टिलाइज हो ही जाए, ठीक है, ये सारी कंडीशन होती है। अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए कि जितने ये कीमोटैक्सिस है, यानी कि केमिकल जो रिलीज़ कर रहा है, वो हर जो है ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज़ होगी वो अलग अलग होगी, और स्पर्म भी उनको अलग अलग उसके रिसेप्टर होंगे, यानी हर स्पीसीज़ के पर्टिकुलर स्पीसीज़ का जो स्पर्म होगा उसके पास अलग तरीके का रिसेप्टर होगा, जो उसके एग के जो केमिकल वो रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। अब जो सी अर्चिन है, जो सी मोटिलिटी है, वो किस तरीके से वो आती है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ क्या है कि वो किस क्यों बॉडी के अंदर में क्यों नहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्यों बाहर हो रहा है, ऐसा वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर का जो पीएच है वो कितना है, 7.2 है, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन गोनाड में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन चाहिए, सॉरी पीएच और टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का चाहिए होता है। तो जहाँ जैसे ही वो सी वाटर में रिलीज होता है स्पर्म, तो वहाँ पे क्या होता है कि पीएच 7.6 हो जाता है, और उसके बाद डाइनेनिन जो है ATPS एक एंजाइम है, वो क्या होता है, टूटता है, और फ्लैजिला क्या होता है, उससे फिर उसको एनर्जी मिल जाती है, और उसके बाद वो मूवमेंट या स्विमिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यही रीज़न है कि इंटरनल ना होके एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसके आगे क्या दिया हुआ है कि एक एनोडर्मेटा पे भी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेक्ट, ठीक है, रिसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेक्ट क्या होते हैं, 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड होते हैं, जो कि कहाँ से, इसको आइसोलेट किया गया था एग जेली, ठीक है, सी अर्चिन के एग जेली से होते हैं, और ये पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज़ के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिसेक्ट क्या होता है, ये रेडली क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है सी वाटर में, और ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जब स्पर्म के पास ये जब इस इंजेक्ट किया गया तो स्पर्म बहुत ही जल्दी इसको क्या किया, ले लिया, और फिर वो एक्टिविटी शो करने लगे, लेकिन दूसरे स्पीसीज़ को ये नहीं किया, अपनी सेम स्पीसीज़ को ही किए, ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके पाया गया। तो याद करिएगा, रिसेक्ट क्या है, वो स्पेसिफिक है, ठीक है, और किसी एक स्पीसीज़ के लिए, और ये जो है ये अदर अर्चिन स्पीसीज़ के नहीं उसको अट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही को करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये रिसेक्ट किस तरीके से आगे चल के
ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन दी हुई है, व्हेन द एक्स्ट्रासेलुलर साइड ऑफ द रिसेप्टर बाइंड्स रिसेक्ट इट एक्टिवेट। अब ये जब रिसेक्ट जब उस पर बाइंड करता है तो क्या एक्टिवेट करता है, ग्वानाइल साइक्लेस करता है, ठीक है, रिसेप्टर के। अब ये क्या करता है कि स्पर्म को क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस करे, और जब ज़्यादा से जीएमपी जो है वो प्रोड्यूस होगा तो कैल्शियम चैनल खुल जाएगा स्पर्म के जो सेल मेम्ब्रेन में है, और उसके बाद क्या होंगे कि सी वाटर से कैल्शियम को वो क्या करेगा, अंदर ले लेगा स्पर्म, ठीक है, सेल अपने अंदर को ले लेगा, और उसके बाद क्या है कि स्पीसीज स्पेसिफिक कैल्शियम चैनल क्या होंगे वो अब एक्टिव हो जाएंगे, और उसके बाद से फिर आगे देखिए क्या होता है, फिर उसके बाद क्या है, द इंक्रीज इन सी एम पी कैल्शियम आयन एक्टिवेट बोथ द माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी जनरेटिंग एपरेटर्स और डाइनेन एटीपीएस। अब ये दोनों को क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा, और ये दोनों क्या होते हैं, टूट के क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ये देखिए एक डायग्राम है, और यहाँ पर दिखा हुआ है सेल स्पर्म सेल मेम्ब्रेन है, और ये रिसेप्ट जो है सेल के मेम्ब्रेन स्पर्म सेल के मेम्ब्रेन पे जो कि रिसेप्टर है इसको वो लिया, और जीटीपी किस पे चेंज हुआ, जीएमपी में, और जीएमपी के एक्टिवेट होते ही चैनल ये ओपन हो गया और कैल्शियम सी वाटर से क्या हो गया, अंदर आ गया, स्पर्म स्विम टुवर्ड्स एग। अब क्या होगा, वो स्विम करने लगेगा एग की तरफ, ठीक है, और इस तरीके से उसमें क्या होगा, जो फ्लैजिला होगा उसमें भी क्या होगा, मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब इसका बाकी जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में मैं उसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और ये याद रखिएगा जो रिसेक्ट है वो क्या कर रहा है, फंक्शन एज अ स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड है, एज वेल एज ये तो अट्रैक्ट भी किया, ठीक है, अट्रैक्ट तो किया ना कि स्पर्म आया उसके पास रिसेप्टर था तो वो उसको ले लिया रिसेक्ट को, और साथ ही साथ स्पर्म का एक्टिवेशन भी हुआ ना, फ्लैजिला का मूवमेंट हुआ, उसका एनर्जी मिल गई एटीपी टूटने के बाद से। तो ये चीज़ें पूरी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू बनाऊंगी जिसमें एक्रोसोम रिएक्शन बताऊंगी, ये कुछ पार्ट्स में आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, ठीक है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मैं पक्का इसके आगे यही वाला बनाऊंगी, इसका नेक्स्ट पार्ट है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, सुना मुझे, थैंक यू सो मच।